हेलो किड्स, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने व्यंजन क से ठ तक पढ़ना और लिखना सीखा है। एक बार हम इन सभी अक्षरों का पुनः अभ्यास करेंगे। क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घर, ं खाली, च चम्मच, छ छाता, ज जग, झ झंडा, ञ खाली, ट टमाटर, ठ ठटेरा। आज हम दो नए व्यंजनों को सीखेंगे, ड और ढ। बच्चों, यहाँ चित्र में आपको ड से डमरू दिख रहा है, पर ड से और भी शब्द बन सकते हैं, जैसे ड डाकिया, ड डंडा, ड डगमग आदि। इसी तरह ढ से ढ ढक्कन, ढ ढोलक, ढ ढपली आदि शब्द बन सकते हैं। अब हम अपनी हिंदी की नोटबुक खोलेंगे और उसमें व्यंजन ड और ढ लिखने का अभ्यास करेंगे। ड डमरू, ड डमरू। ड अक्षर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर एक कर्व बनाएंगे, फिर एक और कर्व बनाएंगे जो पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा, और बाद में स्लीपिंग लाइन बनाते हुए अक्षर को पूरा करेंगे। एक बार और देखिए, ड अक्षर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर एक कर्व बनाएंगे, फिर एक और कर्व बनाएंगे जो पहले वाले कर्व से थोड़ा सा बड़ा होगा, और बाद में स्लीपिंग लाइन बनाते हुए ड अक्षर को पूरा करेंगे। अब आप पेज नंबर 50 और 51 पर ड अक्षर लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हम आते हैं पेज नंबर 52 पर। इसमें अक्षर ढ बनाने का अभ्यास करेंगे। ढ ढोलक। ढ अक्षर बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, एक कर्व बनाएंगे और उस कर्व को अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे इस तरह से, और बाद में एक स्लीपिंग लाइन बनाते हुए अक्षर को पूरा करेंगे। एक बार और देखिए, ढ अक्षर बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, एक कर्व बनाएंगे और उस कर्व को अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे इस तरह से, और बाद में स्लीपिंग लाइन बनाते हुए अक्षर को पूरा करेंगे। अब आप पेज नंबर 52 और 53 पर
ढ लिखने का अभ्यास करेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम अपनी पुस्तक बाल गीत का पेज नंबर 6 खोलेंगे और कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है हाथी दादा। हाथी दादा पहुँचे गांव, खाट पीछी थी आम की छांव। देखकर उनका जी ललचाया, सोने का तब मूड बनाया। फौरन इस पर गए पसर, खटिया हो गई चर्रमर। हाथी दादा पहुँचे गांव, खाट बिछी थी आम की छांव। देखकर उनका जी ललचाया, सोने का तब मूड बनाया। फौरन इस पर गए पसर, खटिया हो गई चर्रमर। अच्छी लगी ना कविता? अब आपको भी इसका अभ्यास करना है। बच्चों, हमने ड और ढ व्यंजनों का अभ्यास किया और एक सुंदर सी कविता पढ़ी। अब हम करेंगे कलरिंग वर्क। कलरिंग वर्क करने के लिए हम अपनी आर्ट एक्टिविटी बुक का पेज नंबर 4 खोलेंगे। बच्चों, यहाँ कुछ शेप्स दिखाई गई हैं, जैसे सर्किल, ओवल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। इन शेप से एक ब्यूटीफुल सीनरी बनाई गई है। अब इस सीनरी में आपको कलर्स फिल करने हैं, जैसे सन में येलो कलर फिल किया गया है। ट्री में आपको ग्रीन कलर फिल करना है। कौन सा कलर फिल करना है? ग्रीन। हाउस की रूफ में और डोर में आपको रेड कलर फिल करना है। कौन सा कलर फिल करना है? रेड। और वॉल में आपको ब्लू कलर फिल करना है। कौन सा कलर फिल करना है? ब्लू। सब समझ में आया बच्चों? आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आज कराए गए कार्य का अभ्यास करें। धन्यवाद।